ओके जी, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्टडी टॉपिक रिलेटेड टू अपर लिम्ब एनाटमी, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ऑफ अपर लिम्ब, जिसके अंदर सबसे पहले हम बोन्स को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्लेविकल आ जाती है ना, ठीक है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्लेविकल बेसिकली इसका फ्रैक्चर्स के बारे में, फॉल ऑन द शोल्डर और आउट स्ट्रेचड हैंड, ठीक है। अब इन्फेंट के अंदर पास करेंगे मेटरनल पेल्विक सिम्फिसिस के साथ, ठीक है। जब वो बर्थ के नाल से बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, तो उस वक्त जो है ना वो उसके फ्रैक्चर्स आपको दिखेंगे। फिर हमारे पास क्लेविकल में भी कॉन्जेनिटली एबसेंट या इम्परफेक्टली जो है ना वो डिवेलप होती है इन क्लेवियो क्रेनियल डिस्टोसिस के अंदर। फिर हमारे पास स्कैपुला के अंदर रहता है, इसकी जो ना सीरेटस इंटीरियर जो है ना वो उसकी पैरालिसिस हो जाए ना, इसे हम कहते हैं विंगिंग ऑफ दी स्कैपुला, ठीक है। मतलब वो विंग्स से आपके पास बन जाएंगे। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम अनड्यूली प्रोमिनेंट एंड आर्म कांट बी अबडक्टेड बियाइंड 90 डिग्री, आपके बाजू 90 डिग्री से ज़्यादा ना खुल नहीं सकते, अबडक्ट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास था ह्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना आपके पास सीट्स, एक निमोनिका, सुपरा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरस। तो इसकी जो ह्यूमरस जो है ना वो इसकी फ्रैक्चर की वजह से हमारे पास सारे का सारा आ जाता है। फिर फ्रैक्चर ऑफ द लेसर ट्यूबरसिटी जो है ना वो अकम्पनीज पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, देन बोन फ्रैगमेंट एंड इंसर्शन ऑफ द सबस्कैपुलरिस टेनन। फिर फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल लेग जो है ना उसकी इंजरी की वजह से एक्सिलरी नर्व जो है ना हमारे पास वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरीज हो गया, फिर फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट हो गया, फिर सुपरा कॉन्डाइलर जो है ना फ्रैक्चर जो है ना वो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस उसके साथ रिलेटेड है। देन हमारे पास है रेडियस, रेडियस के अंदर कोलिस फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर रिस्क जो है ना डिस्टल रेडियस फ्रैगमेंट जो है ना इसकी डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियरली एंड प्रोड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक बम्प इन डिस्क्राइब इन द डिनर फोर डिफॉर्मिटीज, जिसे हम कहते हैं ना वो हो जाती है सारी की सारी। देन हमारे पास आते हैं अल्ना, अल्ना बोन जो होता है ना इसके अंदर वो फोरआर्म की है, ठीक है। ट्रोक्लियर नॉचिंग हो जाती है, ग्रिपिंग होती है लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज प्रोड्यूस बाय आउट स्ट्रेच हैंड, द एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड। फिर हमारे पास रेडियो अल्नर स्टेनोसिस होती है, इसके अंदर वो आपके पास जी रेडियो और अल्ना जो होते हैं ना वो फ्यूज हो जाती है। फिर हमारे पास मेडलंग डिफॉर्मिटीज आ जाती है, एंड देन हमारे पास हैंड्स के जितने भी क्लिनिकल है ना वो आ जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर ऑफ दी स्केफाइट जो होता है ना उसके बारे में आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज़ आ जाती है, फ्रैक्चर ऑफ द हीमेट हो गया, जिसके अंदर जो है अल्नर नर्व गिंजरी और आर्टरी जो होता है ना वो हुक ऑफ द हीमेट के अंदर। फिर हमारे बेनेट फ्रैक्चर आ जाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जॉइंट, जॉइंट के अंदर हमारे पास शोल्डर जॉइंट है जिसकी डिसलोकेशन हो सकती है, शोल्डर टिप पेन जो होता है ना वो आपको दिखेगी, ठीक है, जिसके अंदर इरिटेशन ऑफ द डायाफ्राम जो होता है ना वो सारे की तरह आपको दिख जाएगी। फिर हमारे पास शोल्डर जॉइंट जो है वो मोस्टली अप्रोच सर्जिकली फ्रॉम द फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि हमें फ्रंट से जाना हम अप्रोच करते हैं शोल्डर जॉइंट को। फिर फ्रोजन शोल्डर के बारे में होता है, ठीक है, ये ईच अदर जो है ना वो आपके साथ टू लेयर ऑफ द सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है आपस में मिल जाती है। एल्बो जॉइंट के बारे में एस्पिरेशन इज डन पोस्टीरियरली एंड एनी साइड ऑफ द ओलिक्रेनोन हो गया। फिर डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जो है ना यूजली पोस्टीरियर होगा, ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर ऑफ द क्रोनाइड प्रोसेस, देन सबलेक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस हो गया। फिर हमारे पास टेनिस एल्बो आ जाती है, फिर हमारे पास गोल्फर एल्बो आ जाती है। टेनिस जो होता है ना वो हमारे पास हो जाती है टेंडरनेस ऑफ द लेटरल साइड पर, ठीक है। टेनिस में टी आ रहा था, लेटरल साइड के अंदर जो है ना वो आपकी होगी, जबकि गोल्फर में जो है ना वो मीडियल साइड के ऊपर, तो माइनर जो है ना वो हमारे पास ओलिक्रेनोन, बर्साइटस जो है ना क्यूबिटल वेलगस हो गया और क्यूबिटस वेरस हो गया। वेलगस जो है ना कैरिंग एंगल कहते हैं, वेगस जो है ना लेसन 13 में। फिर हैंड्स के ऊपर आ जाते हैं, इसके अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस, गैंग्लियन इज द सिस्टिक स्वेलिंग और डी क्वेरेंस, टेनोसाइनोवाइटिस जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग हो गया। फिर हमारे पास बुल राइडर थंब हो जाता है, हमारे पास ये आ जाएगी। देन हमारे पास सीकस थंब हो जाता है, जिसके अंदर गेम कीपर जो है ना वो थंब है। फिर ब्रेस्ट में पोलीमेस्थिया, ठीक है, पोलीथीलिया, ए मेस्टिया, एथीलिया और गाइनोमेस्टिया, ये आपको आने चाहिए सारी की सारी। इंसीजन हो जाती है, ठीक है, ब्रेस्ट की वो सारी की सारी। फिर ब्रेस्ट की कैंसर जितने भी वो हैं, फिर कम्युनिकेशन जो होता है ना वो सारी की सारी है। मेमोग्राफी जो है ना वो आपको आनी चाहिए। सेंटेनियल लिम्फ नोड जो होता है ना वो आपको आने चाहिए। देन हमारे पास होते हैं एक्जिला, एक्जिला के ये सारे के सारे क्लिनिकल, इसका PDF का स्क्रीन शॉट ले लें, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। फिर हमारे पास ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में होते हैं, प्री फिक्स हो गया और पोस्ट भी ब्रेकियल प्लेक्सिस जितने भी हैं वो। फिर क्लम्प की पैरालिसिस होगी, जिसके अंदर साइट ऑफ इंजरी वो सारे का सारा आपको आएगा। फिर हमारे पास ये सारे के सारे बैक पैचर्स जो होते हैं ना, हाइकर्स, एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सिस हो गया। फिर हमारे पास शोल्डर रीजन जो होते हैं इसके बारे में, एक्जिलरी नर्व हो गया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया,
इन्फ्लामेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एक्रोमियल बर्सा हो गया, फिर हमारे पास सब एक्रोमियल बर्साइटस हो गया, रप्चर ऑफ द मोड रोटेटर कफ हो गया, फिर कैल्सीफाइकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है पेक्टोरल रीजन के ऊपर हो जाता है, इन नर्व टू सीरेटस इंटीरियर, मतलब जिसे हम बेल्स कहते हैं। फिर हमारे पास होता है बैक में ट्राई एंगल ऑफ दी एस्कल्टेशन हो गया, फिर हमारे पास होता है आर्म के अंदर मस्कुलो कुटेनियस नर्व जो होते हैं वो आ जाती है, फिर इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी फोर आर्म जिसे हम म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी। देन हमारे पास होता है एट दी एल्बो बिहाइंड दी मीडियल, एट दी एल्नर लियन, एट दी रिस्ट हो गया सारे का सारा, ठीक है। फिर एल्बो के जितने भी फ्रैक्चर हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। और फिर हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हो गया, इसकी आप देख लीजिएगा सारे का सारा। फिर हमारे पास हैंड आ जाता है, इसके अंदर एलन टेस्ट हो गया, गाइन केनाल हो गया, डिप्चरन कॉन्ट्रैक्चर हो गया, एंड देन हमारे पास वोल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर हो गया, रेनाइट सिंड्रोम जितने भी होते हैं वो, टेनोसाइनोवाइटिस हो गया। फिर हमारे पास ट्रिगर फिंगर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे मैलेट फिंगर्स हो गए, फिर हैमर फिंगर्स हो गया। और दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।